हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था कॉरिलेटिव प्रॉपर्टी और पढ़ा था हम लोगों ने कि कॉरिलेटिव प्रॉपर्टी जो है किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है। कॉरिलेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूट जो उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित होता है उसकी संख्या पर निर्भर करती है, यानी जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या के द्वारा डिसाइडेड होती हैं, उन्हीं को हम लोग कॉरिलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि चार कॉरिलेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से पहला जो था वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा जो था वो ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसमें हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो एक कॉरिलेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे कॉरिलेटिव प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के द्वारा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के मोलों की संख्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीजें हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में देखी थी। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो उसके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। सवाल ये है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की उपस्थिति में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ कैसे जाता है, तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है? तो आप लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में कि दैट डिफरेंट टेंपरेचर एट व्हिच अ लिक्विड बिगिंस टू बॉइल दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी हम लोग इस डेफिनेशन को नहीं मानते हैं, तो अभी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, कि एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन का कितना है और सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर हो रहा है वो कितना है, इसके आधार पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है वो क्या होती है कि दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर का होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर को घटा के या बढ़ा के बदला जा सकता है। पहले हम लोग क्या कहते थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे वो लिक्विड बॉइल करना शुरू करता है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को घटाएं या एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएं तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम जो बॉइलिंग पॉइंट का डिसाइड करते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर के आधार पर करते हैं। जैसा एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, जैसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर, तो वो तो फिक्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो थोड़ा बहुत घटता या बढ़ता रहता है, या भिन्न भिन्न जगहों पे लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न जगहों पे एक ही सब्सटेंस की, एक ही लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट की जो होगी वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure
to the external pressure is called boiling point. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? Boiling point कहते हैं. तो वह टेम्परेचर जो जिस पर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है, वो वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है. और अगर इस एक्सटर्नल प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अब हम लोगों को देखना यह है कि जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है, तो इफ a non-volatile solute is present in a solution. तो हम लोगों ने क्या देखा था राउल्ट्स लॉ से देखा था कि अगर सोल्यूशन के अंदर non-volatile solute present है तो उस सोल्यूशन का जो प्रेशर होता है, सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो P equal to P naught A x A के बराबर हो जाता है. यानी टोटल प्रेशर जो है P total, ये केवल और केवल किसके बराबर हो जाता है? P A के बराबर. जबकि P A क्या है? P A जो है वो वेपर प्रेशर है. किसका वेपर प्रेशर है? ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, केवल सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है. तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टोटल प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से कम हो जाता है. तो जो टोटल प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो उस वेपर प्रेशर को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए एक्सेस हीट देना पड़ता है. और ये एक्सेस हीट ही क्या कहलाएगी? एलिवेशन. जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया क्या, इस कंटेनर के अंदर एक प्योर लिक्विड ले लिया और एक और कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है, तो अभी इस कंटेनर के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होंगे यहाँ पे, ये वेपर प्रेशर केवल किसके होंगे? प्योर लिक्विड के. और ये प्रेशर को क्रिएट करेगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा क्योंकि ये प्योर लिक्विड है. अगर इसके अंदर देखें तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल सॉल्वेंट का होगा और ये पी ए के बराबर होगा. तो पी ए जो है वो लेस देन पी नॉट ए हो जाएगा. पी ए जो होगा वो लेस देन पी नॉट ए हो जाएगा. तो पी नॉट ए मान लो कि इसका जो टेम्परेचर आ रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने में वेपर प्रेशर, वो टी बी है. और इसका जो टेम्परेचर आ रहा है वो टीबी पे ये बॉयल नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसके वेपर प्रेशर में और एक्सटर्नल प्रेशर में इक्वालिटी नहीं है. तो इसको मान लो हमें हीट करना पड़ता है और वो टेम्परेचर टी1 हो जाता है. तो यहाँ पे टीबी जो होगा वो लेस देन टी1 होगा. टीबी जो हो जाएगा, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है प्योर लिक्विड का, वो सोल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए इसके वेपर प्रेशर को हमें और ज्यादा इस सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ही एलिवेशन कहलाता है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी T1 माइनस कितना TB, दैट इज इक्वल टू कितना डेल TB. यही है वो बढ़ोतरी टेम्परेचर में को हमें और ज्यादा करना पड़ा ताकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सके. तो इसी डेल टीबी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी डेल टीबी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, जितना हमें सॉल्यूशन को ज्यादा गर्म करना पड़ा तब जाकर के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो पाया और लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है. तो इसे डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब हम लोग देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है. इस चीज को हम लोगों को देखना है. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुए और सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद
ये बात क्लियर हुई कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी डेल टीबी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो डेल टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. यहां पे के बी क्या है, एक कांस्टेंट है, के बी एक कांस्टेंट है. क्या कहते हैं इसको, के बी को मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट. या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं. तो ये चीज तो बाय एक्सपेरिमेंट ये चीज क्लियर हो गई कि डेल टीबी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे है, ऐसे कैसे है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिनके थ्रू ये बात क्लियर हुई कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूशन के मोलैरिटी के लिए. तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि रियल में ये मोलैरिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोलैरिटी के द्वारा ही क्लियर हो सकता है. कैसे देखें, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में. देखो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उसके बाद एक और सॉल्यूशन लेते हैं जिसको सॉल्यूशन वन कहते हैं और एक सॉल्यूशन और लेते हैं जिसको सॉल्यूशन टू कहेंगे. ये मान लेते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन वन, और इसके लिए दिया हमने क्या सॉल्यूशन टू. ये दोनों ऐसे सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिले. आइए, प्योर सॉल्वेंट है तो इसका प्रेशर तो कितना होगा, पी नॉट होगा, और जो पी नॉट इसका प्रेशर है वो पी नॉट प्रेशर कितने टेम्परेचर पे है, टीबी पे. टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, तो प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी है, और टीबी बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है इसका प्रेशर, पी नॉट. आइए सोल्यूशन को देखते हैं. जो सोल्यूशन वन है, मान लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर जो है ये, या इस तरह से मान लें, यहां से माने ये इसका प्रेशर जो आता है ये प्रेशर P1 है, मान लो अभी इसका प्रेशर P1 है और हमें कहां पहुंचाना है, P0 तक पहुंचाना है, हमें कहां पहुंचाना है, P0 तक पहुंचाना है. मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट को मानते हैं C है. चलिए भाई इसके प्रेशर को हमें P नॉट तक पहुंचाना है तो डेफिनेटली टीबी पर इसका प्रेशर कितना है, P1. टीबी जो टेम्परेचर है इस पे इसका प्रेशर कितना है, P1 है. और इस प्रेशर को हम जब P नॉट तक पहुंचाएंगे तब ये बॉयल करना शुरू करेगा. तो मान लो हमने इसको हीट किया और हीट करते करते इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T1. जब टेम्परेचर T1 हुआ तो जो सोल्यूशन है, जो सॉल्यूशन वन है, इसका प्रेशर P1 से चल करके कहां पहुंच गया, P0, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया. P0 प्रेशर पर ये सॉल्यूशन बॉयल करना शुरू कर देगा. तो सॉल्यूशन वन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो T1 होगा, कितना हो गया, T1. आइए भाई सॉल्यूशन टू को हम लोग देखते हैं. जो सॉल्यूशन टू है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, या इसको ऐसे देख लें, यहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, ये P2 है, और हमें इसको पहुंचाना है कहां पे, P0 पे. तो मान लें कि ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया. अगर टेम्परेचर T2 है तब जाकर के P2 से वेपर प्रेशर कहां पहुंचता है, P0 पे. इतनी चीजें क्लियर हो गई. फ्रॉम दिस ग्राफ, इस
ग्राफ से हमें क्या चीज मिला कि T2 इज ग्रेटर देन T1, T1 इज ग्रेटर देन TB. T2 जो है वो ज्यादा है किससे, T1 से, और T1 जो ज्यादा है वो किससे ज्यादा है, TB से. आइए अगर हम लोग इस पॉइंट को D मान लें, ये पॉइंट D मान लिया जाए और एक पॉइंट E मान लिया जाए, एक पॉइंट D मान लिया जाए और एक पॉइंट क्या मान लिया जाए, E मान लिया जाए. ये E है, ये E है और ये D है. बात समझ में आ रही है? आइए अब क्या देखें, यहां पे अगर TB और T2 को देखें तो दोनों में कितना डिफरेंस होगा, T2 माइनस TB दैट इज इक्वल टू कितना, डेल TB2 लिख सकते हैं इसको, और T1 माइनस TB दैट इज इक्वल टू डेल TB1. तो ये दोनों जो है, दोनों सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, जिनको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या कहेंगे इनको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आइए प्रेशर को अगर देखें तो प्रेशर में हमको क्या दिख रहा है, प्रेशर में दिख रहा है कि P0 जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी P0 इज ग्रेटर देन P1, P1 इज ग्रेटर देन P2. P0 जो है वो ग्रेटर देन P1 है और P1 इज ग्रेटर देन P2 है. इसका मतलब क्या हुआ कि P0 माइनस P1 दैट विल बी इक्वल टू डेल P1, और P0 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू कितना, डेल P2. ये उस प्रेशर का डिफरेंस है जिसको पूरा करने के लिए इतना डिफरेंस का टेम्परेचर बढ़ा. इतनी चीजें क्लियर हो गई. अब चलो ग्राफ को देखिए. अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो क्या ग्राफ में हमें दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल क्या नजर आ रहा है, ABD दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्राइंगल ACE, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल मिल रहा है ABD और ACE, ये दूसरा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल. अगर हम लोग देखें तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इसके अंदर सिमिलरिटी का रूल लगेगा. तो फ्रॉम द ग्राफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ऑब्टेंड, कौन कौन सा, एक ट्राइंगल होगा ABD एंड सेकेंड ट्राइंगल ACE. तो ABD और ACE में हम लोग सिमिलरिटी का रूल लगाते हैं. कैसे लगाएंगे, तो देखो AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू कितना, AD अपॉन AE. AB अपॉन AC ये इक्वल होगा AD अपॉन AE के. तो अब रखते हैं इसकी वैल्यू, हम लोग वैल्यू रखते हैं, इसको बिठा लेते हैं. AB अपॉन AC ध्यान से देखें अगर, तो AB कितना है, AB ये है AB, AB कितना है, AB आपका है डेल TB1, ये है आपका AB, और AC कितना है, AC है डेल TB2, ये इतना डिफरेंस है. यानी AB जो है वो इक्वल है किसके, AB इक्वल है T1 माइनस TB और AC इक्वल है किसके, T2 माइनस TB के. अब जरा हम लोग देखें AD किसके इक्वल है, A और D, तो AD इक्वल है किसके, P0 माइनस P1, और AE जो इक्वल है वो किसके, P0 माइनस P2. अब इन वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, तो AB अपॉन AC यानी T1 माइनस TB अपॉन T2 माइनस TB दैट इज इक्वल टू P0 माइनस P1 अपॉन P0 माइनस P2. इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल TB1
अपॉन डेल टी वी टू इक्वल टू डेल पी वन अपॉन डेल पी टू। अगर डेल टी वी वन और डेल टी वी टू को हम लोग डायरेक्टली क्या मान लें, डेल टी वी मान लें, और डेल पी वन और डेल पी टू को क्या मान लें, डायरेक्टली पी टू मान लें, तो इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि डेल टी वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डेल पी। डेल टी वी जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके, डेल पी के। अब ये डेल पी क्या है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, क्या चीज है, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। तो आइए देखते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू कितना एक्स बी, पढ़ा था हम लोगों ने। अब क्या P नॉट A माइनस पी ए को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल पी अपॉन पी नॉट ए, डेल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू कितना एक्स बी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मतलब क्या हुआ कि डेल पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डेल पी इक्वल टू कितना हो सकता है पी नॉट ए एक्स बी हो सकता है, जहां एक्स बी क्या है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। आइए भाई जरा हम लोग इसको खोल देते हैं, खोलते हैं एक्स बी को, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो डेल पी दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस कितना मिल गया एन बी, या ये इक्वल टू कितना हो जाएगा पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का होल अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन कितना एम बी, अरे प्लस 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 एम बी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आइए अब जरा देखिए इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो फिक्स है। आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट उपस्थित होगा वो बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि ये कैसा होता है डाइल्यूट होता है। तो डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, क्लियर हो गया। जरा इसमें देखा जाए तो पी नॉट ए जो है और एम ए, एम ए क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों चीजें जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी, ये दोनों चीजें कैसी होंगी कांस्टेंट होंगी, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी। तो अभी जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। तो डेल पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके डब्ल्यू बी अपॉन, किसके डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू कितना डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए क्या है डब्ल्यू ए है मास ऑफ सॉल्यूट, है मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। अगर ये 1 किलोग्राम में है तो अब इस फॉर्मूले को देखो कि क्या ये मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी नहीं है मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है एम बी यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इतना जो होगा वो एम बी के बराबर होगा, और एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज मोलैलिटी, वही क्या चीज है मोलैलिटी है। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां तो डेल पी लिखा हुआ है और डेल पी की बात तो हमको करना नहीं है, हम लोग तो बात कर रहे हैं टेम्परेचर के इलेवेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां देखो कि डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी, डेल टी बी है कि नहीं है, अगर डेल पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी बी, और अगर इक्वालिटी लगाए तो दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधे सीधे लिख दो एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी, या यही हो गया क्या मोलैलिटी।
तो ये चीज जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मिला था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या डेल टी बी जो है वो इक्वल टू है कितना, के बी इंटू एम, जो मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है के बी। अब अगर मान लें कि इफ एम इक्वल टू वन मोलर, अगर जो सोल्यूशन हमने लिया वो वन मोलर है, यानी वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो ऐसे कंडीशन में जो डेल टी बी होगा वो के बी के बराबर हो जाएगा। डेल टी बी किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया। तो अभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं के बी को, ध्यान रहे कि प्रति लिक्विड्स के लिए प्रत्येक सोल्यूशन के लिए के बी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, और अलग अलग सोल्यूशन के लिए ये अलग अलग होती है। समझ में आ रही बात पर, के बी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और अलग अलग सोल्यूशन के लिए अलग अलग होती है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर हमने एक मोलर सोल्यूशन लिया है तो डेल टी बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल टी बी जो है वो के बी के बराबर हो जाएगा। आप समझ आ रही है, तो डेल टी बी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट व्हेन वन मोलर सॉल्यूशन हैज टेकन। अगर एक मोलर सॉल्यूशन लिया गया है तो ऐसी कंडीशन में जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इक्वल हो जाता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट के या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। तो इतनी चीजें जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम है, इसके द्वारा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैसे हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करें, हम लोगों ने क्या देखा कि डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, देखा एम इक्वल टू कितना होता है, एम इक्वल टू होता है एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम, या फिर एम इक्वल टू होगा एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये चीज हम लोगों को मिल गई। तो अभी अगर हम लोग इसको खोले तो एन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू कितना हो गया, डब्ल्यू ए इन ग्राम। इतनी चीजें हो गई, यानी डेल टी बी जो है, डेल टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू कितना, डब्ल्यू बी इंटू कितना 1000 अपॉन कितना एम बी इंटू कितना डब्ल्यू ए इन ग्राम। हमें निकालना क्या है, एम बी, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एम बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, एम बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट के मोलर मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों को देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाल अच्छे से दो ना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर।